गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए देखते हैं, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसे होता है कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग समझेंगे पूरा। कार्बोहाइड्रेट अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स है हम इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं कि सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट जो बना है, ठीक है ना, वो किससे बना हुआ है। तो एक तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ देखेंगे आप कार्बो, ठीक है ना, और एक देखेंगे हाइड्रेट। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना, देखेंगे एक तो यहाँ पे इसका हो गया कार्बो और दूसरा क्या होता है हाइड्रेट। ठीक है ना, कार्बो और हाइड्रेट यही दोनों का मिश्रण, यही दोनों का अगर बात करते हैं जोड़, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। ये तो बात आपको पता चल गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब अगर दोबारा देखेंगे, पूछता सामान्य सूत्र क्या है सर, इसका अगर आपसे पूछे फॉर्मूला या सूत्र, तो ये सूत्र क्या होता है, सी एन, ठीक है ना, एच टू और होता एन, ये इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करते हैं सामान्य सूत्र होता है सी एन, ठीक है ना, एच टू ओ और क्या होता है, एन होता है। ये क्या होता है, इसका कहने का मतलब यह हो गया आपका फॉर्मूला। अब बात आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो वह कितने प्रकार के होता है। तो ध्यान देना, अगर बात किया जाए शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का तीन प्रकार होता है, ठीक है ना, क्या होता है, शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के तीन प्रकार होते हैं। अब वह तीन प्रकार जो होते हैं वह कौन कौन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए जो तीन प्रकार का होता है वह कौन कौन होता है उसको देख लेंगे और यहीं से आपको पिकअप करना है इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि एक जो होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, दूसरा जो होता है वह होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और जो तीसरा होता है वह कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यही तीन होता है जो शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, तो ये तीन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीनों के बाद, ठीक है, हम आप डिटेल में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट जो है यह किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो कंपाउंड कहने का मतलब यौगिक हिंदी में कहते हैं, जो CHO है, CHO जो कंपाउंड है इसका रेशियो क्या है, 1:2, 2:1, ठीक है ना, मतलब इस रेशियो के आधार पर इसके डिवाइड किया गया है। सी का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो ऑक्सीजन का जो खोज किया है वह किया है प्रिस्टले साहब ने, ठीक है ना। हाइड्रोजन का जो खोज किया है वह किसने किया है, तो याद रखें कैवेंडिश, कैवेंडिश ने, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं सर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है या कार्य क्या है, ये दो पॉइंट और समझिए आप, ये तीनों तो आपको बताएंगे ही। अब देखेंगे अगर सोर्स का बात किया करते हैं, स्रोत, तो सोर्स क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा शर्करा, शहद, ठीक है ना, और आपका क्या हो जाएगा, आलू, पोटेटो, केला, ठीक है ना, जो भी है, और आपका हो जाएगा जैसे मटन, चिकन, ये सब भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अब बात आता है सर इसका कार्य क्या है, अगर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कि कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो कार्य इसका जो है वह है एनर्जी प्रोवाइडर है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है,
ऊर्जा प्रदान करना। अब बात करता है ऊर्जा जो प्रदान करता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा तो किस प्रकार का ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह करता है ठीक है ना, अन इंस्टेंट, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। यह जो है तात्कालिक एनर्जी देता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। फिर बात करता है कि सर अगर एक ग्राम आप लेते हैं ग्लूकोज या एक ग्राम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तो कितना आपको एनर्जी मिलेगा, तो वह मिलेगा 4.2 कैलोरी। कितना मिलेगा, 4.2 कैलोरी मिलता है एनर्जी। और ये आपको बता दिए, सोर्स आपको पता चल गया, काम क्या है, तत्काल में एनर्जी देता है। जितने भी एथलीट्स वगैरह स्पोर्ट्स में देखते हैं सब कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को मात्रा को लेते हैं। अब बात आता है यहाँ पे सर, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, यह एक तो है आपका मोनोसेक्राइड, एक है डाइसेक्राइड और एक है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। अब आते हैं हम लोग एक एक करके मोनोसेक्राइड को देखते हैं। डाइसेक्राइड और तीसरा जो है वो है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड। अब बात आता है कि पॉलीसेक्राइड जो है, ठीक है ना, मोनोसेक्राइड, इसका मतलब, पर सेक्राइड का मतलब क्या होता है, तो सेक्राइड का मतलब होता है शर्करा, शर्करा। मोनो का मतलब यहां पे क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, डाई का मतलब क्या होता है दो, और पॉली का मतलब होता है कई सारे। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा वह कौन कौन सा आता है, तो ध्यान देना सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या आएगा, ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पे अगर बात आएगा कि ग्लूकोज जो है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का कभी फॉर्मूला पूछता है तो C6H12 और O6 है। ग्लूकोज जो होता है इसे कहा जाता है अंगूरों का, ठीक है ना, यानी ग्रेप, अंगूरों का शर्करा, अंगूरों का शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज का, क्योंकि अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो आता है वो होता है फ्रक्टोज, इसका एग्जांपल मोनोसेक्राइड का क्या है, दूसरा फ्रक्टोज। जब फ्रक्टोज का बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रक्टोज जो है यह मीठी फलों में पाया जाता है, यह मीठे फलों में होता है और यह सबसे मीठा होता है, ठीक है। इसका सोर्स अगर बात करेंगे तो इसका जो सोर्स है वो फल है, क्या है, फल है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता चल गया यहां पे फ्रक्टोज को, ठीक है ना। चलिए तीसरा जो है वह कौन सा है, तो लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। और यह जो पाया जाता है, यह पाया जाता है मिल्क में, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको मिल्क में। ये तीनों बात आपको मोनोसेक्राइड का पता चल गया, ठीक है ना, ये तीनों आपको पता चल गया, तीनों पता चल गया आपको, एक होता ग्लूकोज, एक होता फ्रक्टोज, एक होता ग्लैक्टोज, सॉरी यहां पर ग्लैक्टोज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ग्लैक्टोज करेंगे, ग्लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तो बात हो गया। अब आते हैं डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड में अगर बात करेंगे तो यहां भी क्या क्या होता है, तो पहला अगर बात करेंगे डाइसेक्राइड में, ठीक है ना, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे लैक्टोज, दूसरा क्या हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा माल्टोज, माल्टोज। अब देखिए लैक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है ना, और सुक्रोज, यहां से प्लस आता है जो सुक्रोज है, ठीक है, यह पाया जाता है गन्ने के रस में, गन्ने के रस में, ठीक है, चीनी यानी शुगर केन,
पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर भी कहा जाता है सुक्रोज को, ठीक है ना। माल्टोज, माल्टोज जो होता है, माल्टोज याद रखेंगे, यह पाया जाता है अनाजों में, माल्टोज पाया जाता है अनाजों में, याद रखेंगे माल्टोज पाया जाता है अनाजों में। और जैसे आपको पता होगा कि चावल के माण, ठीक है, चावल के माण और जो भी जौ वगैरह उसमें पाया जाता है माल्टोज, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। चलिए अब अगर बात करते हैं, ये सारा बात क्लियर हो गया। लैक्टोज, लैक्टोज जो पाया जाता है ये मदर मिल्क, मदर मिल्क। अब यहां पे हो गया, अब ये पॉलीसेक्राइड का सारा बता दिए। अब यहां पे आएंगे पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी इसका जो अणु होता है शर्करा का वो 10 से 1000 अणु का, ठीक है ना, 10 से 10000 अणु का होता है यहाँ पे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा इसका एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्च या इसको कहते हैं मंड, ठीक है ना। सेकेंड सेलुलोज, थर्ड जो होगा सेलुलोज के बाद क्या होता है स्टार्च ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। चौथा क्या होगा काइटिन, मतलब यहां से अगर प्रश्न छूटे बनेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न बनेगा तो ये जान लीजिए कि आपका प्रश्न अब नहीं छूटेगा, ठीक है ना। सारा डिटेल में आपको बता दीजिए, इतना पढ़ना काफी है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। स्टार्च और मंड जो होता है यहाँ पे पेड़ पौधा, ठीक है ना, भोजन को संचित रखता है, ठीक है ना। जो सेलुलोज होता है यह हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना, यह हार्ड क्या है, हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का सबसे क्या है वह हार्ड पार्ट होता है क्या, तो सेलुलोज। सेलुलोज से ही आपको पता होगा कागज बनाया जाता है, सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है, इसका पाचन कौन कर सकता है, तो जितने भी घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, वो पाचन कर सकता है। ग्लाइकोजन जो होता है तो इसमें ग्लाइकोजन मनुष्य जो भोजन होते हैं यह ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा रखते हैं, ठीक है, मनुष्य भोजन को जमा रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। काइटिन जो होता है जितने भी ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं जीव जंतु, ऑर्थोपोडा संघ में जितने भी आते हैं जैसे केकड़ा तिलचट्टा जो भी है उसमें यह काइटिन जो होता है यह उनका बाहरी जो खोल होता है वह बना होता है, बाहरी खोल जो बना होता है वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा आपको डिटेल बता दिए, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पूरा कार्बोहाइड्रेट, अब हम लोग शाम में अपना जो लाइव क्लास है वो पढ़ाएंगे। हाँ, जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है, जो झारखंड जीके का है बैच है, बात है कि जो झारखंड जीके हम पढ़ा रहे हैं झारखंड जीके, तो झारखंड जीके में पूरा झारखंड का जीके कवर कर रहे हैं, और इसका जो फी है वो हम मात्र 51 रुपया है। और दूसरी बात, आपको जो झारखंड जीके पढ़ाएंगे इसमें हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक, आपका हो गया ज्योग्राफी, ये सारे बात, ठीक है ना, झारखंड से जितने भी कला है, नृत्य हो, ठीक है, कला नृत्य, पुराने नए अखबार, पर्सनैलिटी के नाम, सारे बात हम झारखंड जीके में पढ़ाने वाले हैं। इनका बैच का जो फी है वह मात्र 51 रुपया है, मात्र 51 रुपया। क्लास का जो टाइमिंग है वह आपको 8 से 9 मिलेगा, और 8 से 9 मिलेगा वह रात को, ठीक है, रात को 8 से 9 मिलेगा क्लास का टाइमिंग। और ये क्लास जो है वह चलता है लाइव,
क्या चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, इसका पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, हम जो भी पढ़ाएंगे हम इतना आपको पढ़ा रहे इसमें ताकि आपको मेंस भी निकलेगा जेपीएससी का। अब वन डे एग्जाम को बात ही मत करना है, ठीक है, सीजीएल हो झारखंड का या किसी भी एग्जाम हो झारखंड का, चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है, चाहे कहने का मतलब आप सिपाही दे रहे हो या वहां से संबंधित जो भी झारखंड का एग्जाम है, सारा एग्जाम निकलेगा, झारखंड जीके का एडमिशन आप लोग ले लेंगे। मात्र 51 रुपया चार्ज है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी इसका रेट एकदम रखा नहीं गया है, इससे ज्यादा आपको हम पीडीएफ दे देंगे। क्लास जो चलेगा वह पूरा दो मंथ तक, क्लास जो चलेगा वह दो मंथ चलेगा, पूरा लाइव क्लास, और दो मंथ में आपको सारा कंटेंट आपको पढ़ा देंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। क्लास स्टार्ट है, ज्यादा भी हुआ नहीं है तो एडमिशन ले लेंगे। रात आपको 8 से 9 मेरा लाइव क्लास मिलेगा, उसमें सारा बताते हैं पूरा डीपली में। ओके।